जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तब क्या सपना देखा था? सपना देखा था 90 मार्क्स लाने का, है ना, एसएमएस कॉलेज लेने का। क्या लगता है उस सपने के लिए उतनी मेहनत कर भी रहे हो? 7 दिन बचे हैं आपके एग्जाम को। अगर इन 7 दिनों में पूरा एफर्ट लगाते हो, पूरी शिद्दत लगाते हो ना, तो आप अपने रिजल्ट को अभी भी बदल सकते हो। आज इंट्रो नहीं, 1-to-1 कन्वर्सेशन करते हैं। आपने क्रिकेट मैच तो देखा हुआ होगा, सभी लोग क्रिकेट देखते हैं। क्रिकेट में जब तक ओवर की लास्ट बॉल नहीं डाली जाती ना, तब तक पासा कभी भी पलट सकता है। और मैं बताना चाहूँगा अपने दोस्तों को कि जब तक आप भी अपने लास्ट समय तक नहीं आते एग्जाम के, तब तक आप कभी भी पासा पलट सकते हो। जिन्होंने पूरे साल पढ़ा और लास्ट के 1 से 2 मंथ नहीं पढ़ते हैं ना, वो तो भी उनका रिजल्ट खराब जा सकता है। और जिन्होंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, उनको बस थोड़ा सा नॉलेज है और लास्ट के 1 से 2 महीने वो पढ़ते हैं ना, तो वो अच्छा कर जाते हैं। तो अभी आपको घिसने की जरूरत है, अभी रगड़ दो अपने आप को इन 7 दिनों में। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हाउ टू स्टडी फिजिक्स इन लास्ट 7 डेज। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 7 पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं, उसके बाद में आपको सिलेबस पर लेकर चलूंगा कि आपको अभी क्या पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट है कि आपको टारगेट सेट करना है, किस प्रकार से पढ़ना है। अब सेकेंड पॉइंट है आपका मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बहुत ही जरूरी है। मैंने जो सबसे बड़ी गलती की थी वो थी, मैंने मॉक टेस्ट बहुत ही कम लगाए थे, 2-3 ही मॉक टेस्ट लगाए थे, वो भी बहुत ही उतावल में लगाए थे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिनका कंप्लीट सिलेबस हो चुका है वो लोग अभी से मॉक टेस्ट लगाएं, बहुत ही ज़्यादा डेली एक मॉक टेस्ट लगाओ जिस प्रकार से एग्जाम का शेड्यूल है। और बात करूँ जिनका आप ही सिलेबस हुआ है, सो उनको यूट्यूब का सहारा लेके 4 से 5 मॉक टेस्ट लगा लें। और जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, सो आप लोग अभी स्मार्ट वर्क पर ध्यान दो और अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के पीछे नहीं भागते हुए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके पीछे भागो। चलिए थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, PYQs। PYQs लास्ट 5 साल के आपको देखकर ही जाने हैं। लास्ट 5 ईयर PYQs कंप्लीट सॉल्व करने हैं। आपको सिर्फ आंसर रटना नहीं है, आपको उसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तब जाकर आपका वो PYQ क्लियर माना जाएगा। और PYQ कंप्लीट आपके 10% पोर्शन को कंप्लीट करते हैं आपके पूरे पेपर के। सो PYQ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर PYQ पेपर ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। सो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, आपको PYQ मिल जाएगी। ऑल फॉर्मूला रिवीजन। फोर्थ पॉइंट है ऑल फिजिक्स फॉर्मूला राइट डाउन ऑन सीट एंड रिवाइज डेली। फॉर्मूला को डेली रिवीजन करो एंड योर 40% फिजिक्स पोर्शन कंप्लीटेड बाय फॉर्मूलाज ओनली। ये RUHS BSc नर्सिंग एग्जाम है और इसमें बहुत ही लेंथी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलते, बहुत ही ऊपर लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बस थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट होता है और कई लोग वो भी चूक कर जाते हैं, बहुत ही डेप्थ में पढ़ने वाले भी। सो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। और यूनिट एंड डायमेंशन वीडियो आ रही है, आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। यूनिट एंड डायमेंशन आपको निकालने आने चाहिए और एक पेज पर आप लोग फॉर्मूला डायमेंशन यूनिट ये सारी लिख दो और रोजाना बेसिस पे उसको रिवीजन करो। दिन में 10 बार देखो, 20 बार देखो, उसको रिवीजन करते रहो। 5 नंबर पॉइंट न्यूमेरिकल। फिजिक्स में न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल के लिए आपको क्या करना है? सो न्यूमेरिकल आपको बहुत ही ऊपर लेवल के देखने को मिलेंगे। जब आप फॉर्मूला पढ़ोगे तो न्यूमेरिकल वो आपके सॉल्व हो ही जाएंगे। बस फॉर्मूला बेस ही आते हैं, आपको पूछते हैं और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सो न्यूमेरिकल बेस चैप्टर कौन कौन से? इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रिक करंट है, ऑप्टिक्स है, एटम है, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। सो इससे आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। और जो नॉन न्यूमेरिकल चैप्टर हैं उसमें से आपको ट्रिकी क्वेश्चंस निकालने, कुछ पॉइंट निकालने, कुछ एक्सेप्शन निकालने, कुछ डिपेंडेंसी निकालने, कौन किस पे डिपेंड करता है, ऐसे कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कुछ एक्सेप्शन आपने देखा होगा जहाँ शून्य आ रहा है, कहाँ किसी जो सारे इक्वल चल रहे हैं और कोई अलग से एक्सेप्शन है, सो उसको देखना है। तो चलिए 6 नंबर पॉइंट पर चलते हैं। आपके नोट्स आपने बनाए होंगे, नहीं बनाए हैं सो आप किसी से डाउनलोड कर लें, लेकिन यदि बनाए हैं तो आप नोट्स को डेली बेसिस पे रिवीजन करो। शॉर्ट नोट्स, रीड, रिवाइज एंड रिपीट, 3 R होता है, रीड, रिवाइज एंड रिपीट। आप लोग माइंड पे पढ़िएगा और डिपेंडेंसी क्वेश्चन में आपको अभी बता ही चुका हूँ। फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं पहले भी बता चुका हूँ और अब वापस बता रहा हूँ, अब सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर फोकस करो जहां से क्वेश्चंस 100% बनता है। अभी मैं आपको लेकर चलता हूं सिलेबस पर कि कहां से क्वेश्चंस बनता है। और कुछ कॉमन पॉइंट है, आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। भले आपने कुछ नहीं पढ़ा, आप 12th पढ़ के आए हो, 12th तो आपने पढ़ी है ना, उससे बाहर कुछ नहीं आना। अगर किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है ना तो 40-50 मार्क्स तो वो ऐसे ही ले आएगा, कोई हार्ड काम नहीं होता, बहुत ही ईजी लेवल का चुन्नू चा पेपर होता है। और
आपको एवरी एग्जाम जो आपको देखने को मिलते हैं, सो 3 क्वेश्चंस आपको, एक तो हाई लेवल के क्वेश्चंस मिलते हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस मिलते हैं, लो लेवल के क्वेश्चंस मिलते हैं। जो हाई लेवल के 20% क्वेश्चन मिलते हैं उनको आपको पहले छेड़ना भी नहीं है, जो मॉडरेट लेवल के हैं और लो लेवल के क्वेश्चन है उनको देखना है, और लो लेवल के क्वेश्चन देखकर आपको कॉन्फिडेंस में नहीं आना। मैंने कुछ ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं, दो तीन क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ही कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। हर एक पेपर का एक अलग से पैटर्न होता है, उस हिसाब से पेपर बनता है। सो चलिए मैं अब आप लोगों को सिलेबस पर लेकर चलता हूँ। ये आपके फिजिक्स का सिलेबस है, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसमें से आपको सबसे पहले क्या पढ़ के जाना है। सबसे पहला जो इसमें फॉर्मूला आता है Q = ma, ये फॉर्मूला इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आवेश रिलेटेड है। और सेकंड आपको कूलम्स लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये आपको पढ़ के जाना है। मैं आपको बता रहा हूँ जो दो तीन हर चैप्टर में सब्जेक्ट सब टॉपिक बता रहा हूँ उसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे, बाहर से कोई क्वेश्चंस नहीं आने वाला। और बता दूं आपके इसमें इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिकल डाइपोल, ई इक्वेटर एंड ई एक्सिस, और मैं इसमें से अगर मैं बात करूं तो ये आपके जो तीन चार टॉपिक बताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन 100% बनता ही बनता है। और अगर मैं बात करूं सेकंड चैप्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, आप लोगों ने यदि मेरे दो वीडियोज नहीं देखे हैं इन दोनों चैप्टर के तो अभी जाकर मेरे चैनल पर देख के आइए। और बताता हूं चैप्टर सेकंड इसमें से आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं। सो विभव, आपको पोटेंशियल से सीधा क्वेश्चंस देखने को मिलता है, उसमें क्या होता है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होता है और उसमें आपको सीधा वैल्यू पुट करनी होती है और आंसर आपके सामने होता है। और इसमें बहुत सारे डिपेंडेंसी के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, आपको व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं, बिंदु आवेश के कारण विभव इस पर क्वेश्चंस आया हुआ है। बाकी अगर मैं बात करूं इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद्युत विधुर के कारण विभव, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आगे अगर मैं बात करूँ स्थितिज ऊर्जा, सो स्थितिज ऊर्जा पर भी क्वेश्चंस आता है। और समविभव प्रश्न के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं, फिर आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समविभव प्रश्न से जो क्वेश्चंस आता है वो आता है कि समविभव प्रश्न पर किया गया कार्य कितना होता है, सो शून्य होता है, आप लोगों को पता ही होगा। कुछ ऐसे दो तीन क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इससे रिलेटेड कोई ज्यादा हार्ड नहीं आता है। और संधारित्र कैपेसिटर, इसमें आपको जो पैरेलल और सीरीज में होते हैं उनमें आपको कैपेसिटेंस निकालने को कह सकते हैं, सो वो आपको आना चाहिए। और संचित ऊर्जा का फॉर्मूला आप लोग रट लेना। बाकी विद्युत धारा की बात करूँ, सो विद्युत धारा में तो बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। विद्युत धारा में आपको इलेक्ट्रिक करंट के कुछ फॉर्मूलाज ध्यान में रखने, और फिर आपको सीधा आपको आ जाना है श्रेणी और पार्श्वक्रम सेल में आ जाना है, और आपको ओम्स लॉ, और इसमें बहुत कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नहीं, बस इन्हीं दो तीन सब टॉपिक्स पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक्स, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय चुंबकत्व, इसमें से आपको कौन सा क्वेश्चन देखने को मिलता है, सो एम्पियर का परिपथीय नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको बायो सावर्ट का नियम, और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बता ही चुका हूँ, सो फॉर्मूलाज के बारे में नहीं चलूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करता हूँ। चलते हैं चुंबकत्व एवं धरो, मैग्नेटिज एंड मैटर, इसमें से आपको कौन सा क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र पर नतिकोण का मान क्या होता है, आपने पिछले प्रीवियस पेपर में देखा ही होगा, ऐसे कुछ नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोग कहोगे तो मैंने ये सारे पॉइंट लिख रखे हैं, कौन सा एक्सेप्शन है, कौन किस पे क्या कौन बनता है, वो सारा मैंने लिखा हुआ है, सो आप लोग कमेंट करोगे सो उसके लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी। और मैं बात करूँ विद्युत चुंबकीय प्रेरण की, इसमें आपको फैराडे का लॉ पढ़ लेना है, और इसमें आपको विद्युत वाहक बल और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, ये आपको पढ़ के जाना, और लेंज के नियम का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। चलते हैं आगे, आपको प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट में क्या पढ़ना है, इसमें आपको एसी डीसी, ये चैप्टर पूरा ही इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को घोल के भी जाना, इसमें मैं कोई भी सब टॉपिक नहीं बताने वाला। और बात करूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सो इसमें आप लोगों को कुछ ज़्यादा है नहीं, सो इसमें तो आपको देखना ही है। बात करूँ रे ऑप्टिक्स, इसमें से आपको फॉर्मूला देखने को मिलता ही है, मिलता कहाँ से मिलता है बात करता हूँ, सो इसमें मुझे लगता है कि कुछ टॉपिक हटाए गए हैं, मैंने सिलेबस अभी देखा है, सो इसमें से तो बहुत ही कम ही दिया हुआ है, इसमें तो आप कर ही जाओगे। इसमें कुछ सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शक, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो आप ऊपर से छोड़ के जाते हो, लेकिन RUHS ऐसा है जो बहुत ही ऊपर लेवल के क्वेश्चंस देता है, सो आपको कुछ ऐसे टॉपिक हैं वो छोड़ के नहीं जाने। वेब ऑप्टिक्स में आपको यंग का द्विस्लिट प्रयोग करके जाओ और फोड़ के आओ, बाकी इसमें से कुछ नहीं पूछा जाता, यंग का द्विस्लिट प्रयोग। और विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, बहुत ही लिमिटेड चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चंस भर भर के आते हैं, और इसमें एक दो फॉर्मूलाज हैं वो आपको पढ़ लेना है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण वो आपको पढ़ लेना है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, सो आप लोग इस चैप्टर को तो घोल के पी जाइए, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। बढ़ते हैं आगे,
एटम्स एटम्स में से आपको ज्यादा चीज देखने को मिल नहीं मिलते, बस आपको कुछ जो परमाणु होते हैं उसका आपको कक्षा वगैरह कुछ पूछ सकते हैं। सो एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला के बेस पर आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इसमें तो एक दो फॉर्मूलाज हैं वो आपको रट लेना है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं। सो अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूँ, सो इसमें आपको न्यूक्लियस के दो तीन आपको साइज पूछ सकते हैं, आपको साइज का फॉर्मूला आना चाहिए, और द्रव्यमान ऊर्जा दो तीन इसमें भी फॉर्मूलाज हैं वो आपको आने चाहिए, रेडियो एक्टिविटी के कुछ पॉइंट्स आपको आने चाहिए। और बात करूँ सेमीकंडक्टर से, सो इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, आप इसमें से लॉजिक गेट दिया ही नहीं है, लॉजिक गेट हटा दिया क्या, एक बार कमेंट कीजिएगा। सो मेरे को देख इस बार लग रहा है कि कुछ आपको सिलेबस से बाहर भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, ऐसा मेरे को लग रहा है। बाकी इसमें से तो बहुत ही सिंपल और शॉर्ट चैप्टर है, बाकी अगला वीडियो आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे देखने को मिलेगा। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। थैंक यू, अपनी पढ़ाई को निरंतर कंटिन्यूअसली जारी रखिएगा।